सबसे पहला टेंडर सर्च करना। टेंडर सर्च कैसे करेंगे बीड में, तो आपको यहाँ पे बीड्स मिलता है, ऑनगोइंग बीड्स। आप अपने तरीकों को तीन तरीके से टेंडर को सर्च कर सकते हैं। पहला है सर्च बाय बीड या आरए डिटेल। आपके पास बीड का कोई भी डिटेल्स है तो उससे आप सर्च कर सकते हो। जैसे कि जनरली क्या इन्फॉर्मेशन होगा बीड का मेरे पास, या तो बीड नंबर या तो कोई कैटेगरी का टेंडर सर्च कर रहे हैं। मेरे पास कोई बीड नंबर है तो डायरेक्ट हम वो बीड नंबर से सर्च कर सकते हैं, जैसे कि बीड नंबर है सर्च कर देंगे तो ये टेंडर ही मुझे मिल जाएगा। यदि ये ऑलरेडी अभी लाइव है तो ये टेंडर क्लोज हो गया, खत्म हो गया डेट, तो अभी ये टेंडर नहीं मिले, लाइव होना चाहिए। दूसरा है कि हमारे पास, हम यदि बीड नंबर नहीं है और मुझे पर्टिकुलर कोई कैटेगरी का टेंडर सर्च करना है तो भी कर सकते हैं। जैसे कोई भी कैटेगरी, मुझे जैसे अभी डिजिटल सिग्नेचर में इंटरेस्टेड हूँ, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, बीड का इन डेट, स्टार्ट और इन डेट जो भी है डाल देंगे और सर्च कर देंगे। तो मेरे जो प्रोडक्ट है उसके तीन टेंडर्स अवेलेबल, हम ये तीनों में से कोई भी टेंडर भर सकते। या फिर मेरे पास बीड नंबर है, तो मेरे पास मान लीजिए बीड नंबर है, डायरेक्ट यदि हमने इसको बीड नंबर को डाल दिया होता तो भी सर्च कर देता तो आपने को भी डायरेक्ट मिल जाता इसको सिलेक्ट करने का। टेंडर आपको डिस्प्ले होना चालू हो जाएगा। तो कोई भी टेंडर को आप इस तरीके से, पहला कैटेगरी में है, आप दो तरीके से सर्च कर सकते हैं, एक तो बीड नंबर, दूसरा है कैटेगरी। कोई भी कैटेगरी वाइज आप उस टेंडर को सर्च कर सकते हैं, बीड नंबर से नहीं तो कोई भी टेंडर का कैटेगरी से। सेकंड प्लेटफॉर्म अपने को देता है मिनिस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी मिनिस्ट्री से सर्च कर सकते हैं या ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे मिनिस्ट्री से, तो यहाँ पे इतने सारे मिनिस्ट्री है, कौन सा मिनिस्ट्री का टेंडर देखना है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का देखना है, तो मुझे यहाँ पे जैसे क्लिक कर दूंगा मेरे पास स्टेट और डिपार्टमेंट नंबर जो खत्म हो जाएगा। इसके अंदर दो ऑर्गेनाइजेशन है तो कौन सा देखने का, ट्राइबल स्टूडेंट का देखना है। इसके अंदर डिपार्टमेंट, एक ही डिपार्टमेंट बचता है। अब ये पूरे मिनिस्ट्री और ये डिपार्टमेंट का मैं टेंडर देख पाऊंगा, कोई भी टेंडर नहीं है रहता तो मुझे यहाँ पे दिख जाता। या फिर इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं और हम पूरे ट्राइबल का टेंडर देखना चाहते हैं, इसके अंदर किसी का कोई भी टेंडर हो तो भी हम यहाँ पे टेंडर को देख सकते। तो ये भी डिपार्टमेंट का कोई भी टेंडर अवेलेबल नहीं है, टूरिज्म का कोई टेंडर अवेलेबल है तो टूरिज्म का टेंडर है, दो टेंडर टूरिज्म मिनिस्ट्री का है तो हम देख सकते हैं। थर्ड ऑप्शन से हमारे पास यहीं पर, मतलब इसी कैटेगरी में दूसरा ऑप्शन से स्टेट। हम पर्टिकुलरली अभी हमको हर एक स्टेट में टेंडर नहीं भरना है, मुझे हर स्टेट में टेंडर नहीं भरना है, मैं हूँ जम्मू कश्मीर का और मुझे खाली जम्मू का ही टेंडर भरना है। मुझे बाकी डिपार्टमेंट जो जम्मू की डिपार्टमेंट है उनको ही दिखाओ, बाकी के डिपार्टमेंट से मुझे क्या करने का है, तो जम्मू में जो भी डिपार्टमेंट है सबका दिख जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। अभी मुझे वही डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन शो होगा जो जम्मू और कश्मीर में एक्टिवेट है, तो इतने सारे डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है जो जम्मू कश्मीर में काम करते हैं। अभी मुझे कोई सा भी अभी यहाँ पे देखना है, अभी ये डिपार्टमेंट का मुझे टेंडर दिखा दो बोल रहा हूँ, ये टेंडर अभी कोई भी टेंडर नहीं है। एग्रीकल्चर का देखते हैं, देखो एग्रीकल्चर का एक टेंडर अवेलेबल है जम्मू एंड कश्मीर, तो मुझे ऐसा यहाँ पे टेंडर देखने को मिल जाता है। तो ये दूसरे तरीके का सर्च है। यहाँ पे क्या हो गया, फिल्टर सिर्फ स्टेट का ही दिखेगा डिपार्टमेंट, यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया का दिखेगा। थर्ड है लोकेशन, हम पर्टिकुलर कोई लोकेशन का टेंडर देखना चाहते हैं। अभी यहाँ पे कैसा हो गया, मेरे स्टेट में पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, अभी मुझे मेरे स्टेट में कोई भी डिपार्टमेंट काम होने दो सबका टेंडर दिखाओ तो भी देख सकते। स्टेट कौन सा देखना चाहते हैं, मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ प्रदेश, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में कौन सा डिस्ट्रिक्ट, तो बलिया, और यहाँ पे 4 तारीख से 9 तारीख का टेंडर दिखा दो, तो बलिया का जो भी टेंडर है कोई भी डिपार्टमेंट का टेंडर होने दो वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करवा देगा, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट का या ऑर्गेनाइजेशन का टेंडर होने दो। सेम दूसरा स्टेट देखना चाहते हैं इलाहाबाद, और उसको सर्च करते हैं तो वो भी मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करवा देगा, ऐसे हम यहाँ पे देख सकते हैं।
तो हम ऐसे कोई भी टेंडर को किस तरीके से सर्च करना, तो यहाँ पे तीन कैटेगरी दिया हुआ है तो हर एक में दो दो कैटेगरीज में दिया हुआ, इसमें दो, एक बिड नंबर से और दूसरा है कैटेगरी वाइज, या तो बिड नंबर या कैटेगरी वाइज। मिनिस्ट्री में पूरे मिनिस्ट्री का देख सकते हो, वही स्टेट के साथ ऑर्गेनाइजेशन को फिल्टर कर सकते हो, और यहाँ पे सिंगल है, आप स्टेट के साथ कोई भी सिटी को ले सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट को, और उसका ही टेंडर आपको फिल्टर करके दे देगा। इसमें प्रॉब्लम एक है कि कभी भी लोकेशन के साथ ऑर्गेनाइजेशन मर्ज नहीं होगा, मतलब आप एक फिल्टर के साथ दूसरा फिल्टर को मर्ज नहीं कर सकते। जैसे कि मुझे अभी फिल्टर लगाना है डिजिटल सिग्नेचर, सिर्फ पुणे में कोई है क्या, तो मैं नहीं कर सकता, मतलब यहाँ और यहाँ का मैं लोकेशन को दो को मर्ज करना चाहता हूँ, तो ये दोनों को मर्ज करने का अभी फिलहाल ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। आप इसमें से कोई भी एक को ही टेंडर सर्च कर सकते हैं। ये टेंडर सर्च करने का पूरा प्रोसेस था। बोलिए, किसी को कोई डाउट्स है, कुछ पूछना है इसमें सर्च में तो बोलिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे टेंडर को स्टडी कैसे करते हैं, कोई भी टेंडर डाउनलोड करने के बाद उसमें क्या क्या पॉइंट्स पढ़ना चाहिए और डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग टेंडर सर्च के बारे में एक बार डिस्कशन करें। बोलिए किसी को, हाँ पारस सर बोलिए। सर ये जो बिड एंड डेट है इसको क्या हम एक्सटेंड कर सकते हैं या हमें यही टाइम पीरियड मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, आप एक्सटेंड कर सकते हैं, चार की जगह मुझे देखना है जो मुझे 10 तारीख का टेंडर दिखाओ, 10 तारीख से लेके 11 का ही टेंडर दिखाओ, तो मुझे 10 से 11 का ही टेंडर दिखाएगा वो, इलाहाबाद का मुझे यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा सर, चार की जगह पे मुझे 8 का दिखा दो, 8 से लेके 9 का टेंडर दिखा देगा, अभी 8 से 9 का ही टेंडर दिखेगा, देखो टेंडर बढ़ गए। एंड जो सर टेंडर शो करेंगे ये वो शो करेंगे जो निकले हैं, ये वो शो करेंगे जिसके कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हमने डाल लिए हैं कैटलॉग? नहीं नहीं, यहाँ पे सभी शो होंगे, अभी हम लोग यहाँ पे सब टेंडर को शो कर, ओके, मतलब किसी भी को भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं कोई भी? हाँ, पार्टिसिपेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये बात का फैक्टर। अच्छा, हम पहले यहाँ पे टेंडर देख रहे हैं, अभी सिर्फ टेंडर को सर्च कर रहे हैं, अभी उसके बाद देखेंगे टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, वो हम बाद में डिसाइड करें। ओके सर। बोलिए और किसी को कुछ डाउट्स है? तो ये है मेरा पर्ल, यहाँ पे प्रोडक्ट का भी टेंडर मिलेगा, सर्विसेज का भी मिलेगा, कस्टम बिड का भी टेंडर मिलेगा, बीओक्यू बिड का भी मिलेगा, यहाँ पे ऐसा कोई फिल्टर अवेलेबल नहीं। आते हैं हम लोग टेंडर सर्च के ऊपर। बोलिए कहीं का भी कोई भी टेंडर बताइए, किसी को पता है या फिर कोई स्टेट का कोई डिस्ट्रिक्ट का टेंडर लेना है जो मुझे पढ़ के दिखाना है आपके अकॉर्डिंगली, तो मुझे बताइए। भोपाल का सर निकाले, बीएचईएल भोपाल। भोपाल जी, भोपाल मतलब मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश भोपाल। भोपाल में रिफाइनरी है ना सर? नहीं सर, रिफाइन का अच्छा बीना में है, भोपाल। बराबर, बोलो अभी कौन सा टेंडर दिखाऊं? देखो अभी ये एंटी ह्यूमन बोल के है आइटम, ये स्पाइनल बेयरिंग बोल के है, एल्युमिनियम बॉडी है, और यहाँ पे एक बेड मैट्रेस है विद सैंडविच रबर कोर सीट मटेरियल। पाइन का सर दिखाई? हाँ पाइन, पाइन पाइन ऐसा बोलो तो इसके साथ हम पाइन तो यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा आप मुझे पाइन का, हम पाइन का डायरेक्ट देख लेते हैं टेंडर, अभी यहाँ पे मध्य प्रदेश का तो ऐसे भोपाल में तो मुझे मिलना मुश्किल है। पाइन, पाइन वुड बराबर जी, स्नोस स्मॉल, कोई भी टेंडर नहीं है, डेढ़ बढ़ा के थोड़ा देख लेते हैं, नहीं है स्मॉल का कोई भी टेंडर अवेलेबल नहीं है, तो हम थोड़ा सा चेंज करते हैं यहाँ पे इसको, इसको पाइन वुड, पाइन वुड लार्ज का देखते हैं कोई टेंडर अवेलेबल है क्या। पाइन वुड लार्ज का कोई भी टेंडर अवेलेबल नहीं है सर। सर ये बिड एंड डेट में चार नो क्यों डाला हुआ सर? हाँ एंड डेट तो ज्यादा होना चाहिए ना, एंड डेट बिड डालो ना आपके अकॉर्डिंग, मैंने 30 तारीख डाल दिया इसमें, आपको जितना लंबा डालना है डालो, कोई भी टेंडर अवेलेबल नहीं है पाइन वुड। और बोलिए दूसरा कोई कैटेगरी किसी का? सर प्रेशर गेज। हाँ प्रेशर गेज,
सेम कैटेगरी बताने का सर। देखो अभी 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 आप लोग यदि वही मिस्टेक करेंगे पहले का तो फिर मजा नहीं। अभी आप लोगों ने क्लास बहुत सीख लिया है और फिर से आप यदि कैटेगरी नहीं बता रहे हो तो फिर आप गलत बता रहे। मैंने अभी आप प्रोडक्ट का नाम नहीं पूछा है, कैटेगरी पूछा है। डिजिटल सिग्नेचर है सर उसमें, डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर का तो है वो टेंडरी हम भर के दिखाएंगे, बाकी दूसरा जिससे आप वही मिस्टेक कर रहे हो। मैंने यहाँ पे कैटेगरी बोला है और आप ऐसे बता हमसे अभी आप ऐसे मेरे से मुझे आंसर दे रहे हो जैसे आपने अभी तक फ्रेश हो, बिल्कुल बिल्कुल आपको जेम के बारे में पता ही नहीं। फ्रेशर के कैटेगरी क्या है, कैटेगरी फाइंड आउट करना आपको जरूरी है। मैंने आपको कैटेगरी फाइंड आउट करना सिखाया, सब कुछ सिखाया और फिर से आप वही कैटेगरी को डाल रहे हो। जो जो मार्केट में कैटेगरी है कि नहीं आपको ही नहीं पता। कैटेगरी पता करना है आपके प्रोडक्ट का, कैटेगरी का नाम क्या है और वो बताना। और किसी के पास नहीं है क्या कोच, अपने हिसाब से ले लो फिर। मैं हैंड हेल्ड ब्रश कटर स्लैश लाइन ट्रिमर। लाइन क्या बोला है, हैंड हेल्ड ब्रश कटर। सर थोड़ा स्पेल कीजिए मुझे आवाज क्लियर। एच ए एन डी। अच्छा हैंड है क्या। हाँ जी हैंड हेल्ड, एच ई एल डी। एच ए एन डी ना, बराबर है ना स्पेल। हाँ जी सर, एच ई एल डी इकट्ठा। हाँ हेल्ड, एच ई एल डी, एच ई एल डी, एल डी डी सर डी नहीं आ रहा सर। हैंड हेल्ड ब्रश कटर डिजिटल सर। आ गया आ गया सर, आ गया। सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट, इससे ऊपर आइए। चलो इसके टेंडर अवेलेबल है ना, इतने सारे टेंडर अवेलेबल है इस, देख कितने सारे। अभी मुझे भरना है तो मैं अपने अकॉर्डिंगली भर सकता हूँ। कौन सा डिपार्टमेंट का है, कहाँ का है देखना है, या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है। अभी यहाँ पर भी एक क्वेरी है, यहाँ पर देखो व्यू कोरिंडम बोल के लिखा है। कोरिंडम मतलब क्या है ये समझो, कोरिंडम मतलब चेंजेस। कोई भी चीज में यदि हम कोई चीज को चेंजेस कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कोरिंडम। अभी कोरिंडम में क्या चेंजेस हो सकते हैं, तो ये डेट चेंज हो सकता है, जो बीड का इन डेट है वो बदल सकता है, इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट बदल सकता है, टेंडर ओपनिंग का डेट बदल सकता है, टेंडर का अमाउंट बदल सकता है, एस्टिमेट वैल्यू बदल सकता है, क्वांटिटी बदल सकता है, कोई भी चीज को। इस टेंडर में कोई भी चीज बदल गया तो हम उसको क्या बोलेंगे, कोरिंडम। तो क्या हुआ कोरिंडम, ये देखो जनरली जेएम में जो कोरिंडम होता है वो डेट का ही होता है, डेट एक्सटेंड कोरिंडम होता है। तो व्यू कोरिंडम, यहाँ पे दो बार ये टेंडर एक्सटेंड हुआ है। पहला एक्सटेंड कभी हुआ, तो 21/6/9 को था, वो 6/9 से बढ़ा के 9 बजे से 9:30 हो गया। सॉरी पहले का कोरिंडम मॉडिफाई ऑन, यहाँ से पता चलेगा आपको, 1/9 को एक्सटेंड हुआ, 2/9 था पहले का जो डेट था वो, उससे बढ़ के 2/9 हो गया, और फिर 2/9 से 2 तारीख को फिर से वो बढ़ के 6/9 तक कर दिया। मतलब फिर से उसने 4 दिन का 5 दिन का और एक्सटेंड कर दिया डेट। अभी इस बीट का लास्ट डेट कब है, 6/9। अब ये डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड कैसे करेंगे, यहां से पीडीएफ फाइल मेरा ये डाउनलोड होगी। अब ये टेंडर को पूरा स्टडी करेंगे हम, करना क्या है। ये हो गया, यहां पे क्या क्या है ये देखो, जेएम का ये नंबर है, बीड का नंबर, और ये डेट जिस दिन टेंडर को पब्लिश हुआ। ये टेंडर का बीड ओपनिंग का लास्ट डेट कब था, 31/8। तो मैंने इस टेंडर को क्या बोला, दो बार एक्सटेंड हुआ, बराबर है। 31/8 को था पहला एक्सटेंड हुआ 2/9 तक, उसके बाद फिर से एक्सटेंड हुआ, वो हुआ 6/9 तक। इसीलिए यहाँ पे डेट 31/8 है, पर बीड का इन डेट कभी हो गया, 6/9 तक। क्लियर है। उस पर आते हैं बीड का लाइफ सर्कल। बीड का लाइफ सर्कल है 90 डेज। 90 डेज मतलब 90 डेज के अंदर इस प्रोडक्ट को आपको डिलीवर कर देना पड़ेगा। डिलीवरी देख के उनका सीआरसी वगैरह सब कुछ जनरेट हो जाना चाहिए, मतलब प्रॉपर वे से सब कुछ इसका पेमेंट तक के लिए प्रोसेस एटलीस्ट हो जाना चाहिए। मतलब जनरली हम सीआरसी तक तो बोलते ही है, जो सीआरसी बन जाना चाहिए, बीड ये खत्म होना चाहिए, बीड खत्म हो जाना चाहिए, इसका पूरा लाइफ ही खत्म, मतलब पूरा बीड का ही काम खत्म हो जाना चाहिए। ये हुआ 90 डेज का।
उसके बाद है बीड का ऑफर वैलिडिटी, ऑफर वैलिडिटी 75 डेज, मतलब 75 डेज के अंदर आपको इस बीड का ऑर्डर मिल जाना चाहिए और 90 डेज के अंदर ऑर्डर का पूरा काम हो जाना चाहिए, मतलब आपके तरफ से ऑर्डर डिलीवरी वगैरह सब कुछ हो जाना चाहिए। ये है लाइफ सर्कल और ऑफर वैलिडिटी। ऑफर वैलिडिटी मतलब जिस दिन से बीड इन डेट होगा उसके बाद 75 डेज के अंदर आपको उसका वर्क ऑर्डर मिल जाएगा, मैक्सिमम 75, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। लाइफ सर्कल मतलब 90 डेज में आपको वर्क ऑर्डर, मतलब जो भी ऑर्डर्स है वो आपको डिलीवरी डिपार्टमेंट को कर देना है 90 डेज के अंदर। ये है लाइफ सर्कल। मिनिस्ट्री कौन सा डिपार्टमेंट का है, कौन डिपार्टमेंट इसका डिपार्टमेंट का कौन सा है, मिनिस्ट्री कौन है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफिस का नाम यहाँ पे नहीं बताया, जैसे आपको आगे ऑफिस का नाम पता चलेगा। टोटल क्वांटिटी कितना, इसको 8 क्वांटिटी चाहिए, क्या चाहिए, ये वाला कैटेगरी चाहिए। यहाँ पे एक ऑप्शन है पीएससी ओनली, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, अभी पीएससी नहीं है ऐसा समझ के चलो। पीएससी के बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, एक बेसिक डिस्कशन हम लोगों ने किया था फर्स्ट क्लास में, प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट बोल के मैंने बोला था फर्स्ट क्लास में, मैंने इसका पूरा इंट्रोडक्शन दिया था, पर आगे हम लोग इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। फिलहाल सोचो कि इसमें पीएससी नहीं है, यहाँ तक मैं बोली, यहाँ तक में कोई डाउट्स है, किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। सर थोड़ा बीड ऑफर वैलिडिटी का फिर से बताएंगे। ऑफर वैलिडिटी मतलब आपको जिस दिन बीड का इन डेट है उसके बाद 75 डेज, मैक्सिमम 75 डेज के अंदर डिपार्टमेंट आपको वर्क ऑर्डर इशू कर देगा, 75 डेज के अंदर आपको वर्क ऑर्डर इशू कर देना चाहिए डिपार्टमेंट। ये हुआ ऑफर वैलिडिटी। और किसी को कुछ डाउट्स? सर इसमें आरए का फुल फॉर्म क्या है? रिवर्स ऑक्शन। जी सर रिवर्स ऑक्शन। अच्छा। रिवर्स ऑक्शन, ऑक्शन का ऑपोजिट रिवर्स ऑक्शन। ओके ओके। बोलिए और यहां तक में किसी को डाउट्स? चलिए फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एमएसएमई एग्जम्पशन फॉर इयर्स। एमएसएमई एग्जम्पशन मतलब यदि आपके पास एमएसएमई का सर्टिफिकेट है तो आपको ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और टर्नओवर, यदि इसमें ईयर ऑफ एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट मांगा या टर्नओवर का सर्टिफिकेट मिला है तो उसमें एग्जम्पशन मिलेगा क्या? एग्जम्पशन मतलब छूट, मतलब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एमएसएमई है तो आपको ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यदि स्टैंडर्ड में मांगा गया है या स्टार्टअप मांगा गया है आपसे, सॉरी टर्नओवर सर्टिफिकेट मांगा गया है, तो आपके पास एमएसएमई है तो आप उसको नहीं देंगे तो भी चलेगा, पर कब चलेगा? यदि छूट में यहाँ पे यस लिखा रहा तो। इसमें क्या लिखा है? नो। दैट मींस ये टेंडर में जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा उसमें आपका एमएसएमई डालेंगे तो भी आपको कोई छूट नहीं मिलेगा। सेम स्टार्टअप के लिए भी, स्टार्टअप में भी नो है, मतलब स्टार्टअप का भी आपके पास रजिस्ट्रेशन है तो भी आपको स्टार्टअप के अगेंस्ट में ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और टर्नओवर पे कोई भी छूट नहीं मिलेगा। क्लियर है सर? अगर ये नहीं हो तभी चलेगा क्या? क्या ये डॉक्यूमेंट्स नहीं हो एमएसएमई और स्टार्टअप, यहाँ पे यस लिखा रहता तो चलता था, यहाँ नो लिखा है तो देना ही पड़ेगा। छूट बोला है मैं आपको छूट नहीं दे रहा हूँ तो देना ही पड़ेगा। यदि छूट बोलता हाँ छूट दे रहा हूँ तो चलता ना वो। ओके। उसके बाद आते हैं हम लोग आगे, बीड टू आरए एनेबल्ड, मतलब बीड ये टेंडर सिर्फ बीड में रहेगा क्या? बीड से रिवर्स ऑक्शन में कन्वर्ट हो सकता है। रिवर्स ऑक्शन के बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, फिलहाल ये पॉइंट को समझो खाली, बीड से ये ऑक्शन में कन्वर्ट होगा, होने की पॉसिबिलिटीज है। रिवर्स ऑक्शन क्या है और उसका डिटेल्स हम लोग आगे देखेंगे। जो जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ चाहे तो आप लोग नोट डाउन करके रखो, हम लोग एक बार में ये सब पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करते हुए निकलेंगे। ये जैसे हम लोग पढ़ के खत्म करेंगे फिर ये सब पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, चाहे तो नोट डाउन करते जाइए। क्या है आरए, आरए किस तरीके से आरए रहा तो कैसे पार्टिसिपेट करने का है, क्या रहता है, ये सभी हम लोग डिस्कशन। आरए क्वालिफिकेशन रूल, आरए में जो कन्वर्ट होगा उसका क्वालिफिकेशन रूल क्या है? 50% लोएस्ट प्राइस टेक्निकल, 50% लोएस्ट प्राइस टेक्निकली क्वालिफाइड बिडर, तो इसके साथ ही ये कवर हो जाएगा। हम लोग आगे इसको समझाएंगे आपको। टाइम अलॉट फॉर टेक्निकल क्वालिफिकेशन ड्यूरिंग टेक्निकल इवोल्यूशन, मतलब
आपको टेक्निकल क्लेरिफिकेशन, यदि आप टेक्निकल जब खुलेगा इवोल्यूशन मतलब ओपनिंग के बाद जब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होता है तो हम उसको बोलते हैं टेक्निकल इवोल्यूशन। ठीक है, जब टेंडर ओपन होता है उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स आपने डाला है, जो डॉक्यूमेंट्स का पार्ट रहता है टेंडर का, दो पार्ट रहता है। जब आप टेंडर भरते हो तो दो पार्ट में भरते हो, एक जिसमें डॉक्यूमेंट डालते हो उसको बोलते हैं टेक्निकल, और जिसमें अपना रेट कोट करते हो उसको बोलते हैं फाइनेंस। ऐसे दो इन्वेलप होता है। जनरली टेंडर में देखा जाए तो चार इन्वेलप हो सकता है, टेंडर फीस और ईएमडी, प्री क्वालिफिकेशन, टेक्निकल और फाइनेंस। ऐसे चार इन्वेलप मैक्सिमम हो सकते हैं, पर जेएम पे नहीं है ऐसा। जेएम पे जनरली दो ही इन्वेलप होंगे, मतलब दो होंगे, एक टेक्निकल एक फाइनेंस। टेक्निकल में क्या होगा, जो डॉक्यूमेंट्स का पार्ट रहेगा वो टेक्निकल का पार्ट है, और जिसमें आप ये टेंडर को कितने में कोट कर रहे हो, आठ क्वांटिटी के लिए आप 2 लाख कर रहे हो, 5 लाख कर रहे हो, 10 लाख कोट कर रहे हो, ये होगा फाइनेंस का पार्ट। तो यहाँ पे टेक्निकल इवोल्यूशन मतलब जब टेक्निकल का जो डॉक्यूमेंट्स है उसका जो वेरीफाई होगा, मतलब ये डॉक्यूमेंट सही डाले हो या गलत डाले हो, इसको बोलते हैं टेक्निकल इवोल्यूशन। जब टेक्निकल इवोल्यूशन होगा और आपको कोई डॉक्यूमेंट्स आपने गलत डाल दिया या गलती से मिस हो गया है, तो आपको टेक्निकल इवोल्यूशन होने के बाद आपको क्लेरिफिकेशन के लिए कितना दिन टाइम मिलेगा, तो आपको 2 दिन का टाइम मिलेगा। यदि आपने कबाड हो गया डॉक्यूमेंट्स गलत हो गया है तो आप 2 दिन के अंदर वो डॉक्यूमेंट्स को आप सबमिट कर सकते हो। कैसे करने का है वो हमारा आपको अलग से सेशन होगा, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। फिलहाल आपको 2 दिन का टाइम मिलेगा, ये समझिए। क्लियर है पॉइंट, या कुछ डाउट्स है तो बताओ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखो टेंडर के लिए ये जो टेंडर भरोगे ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड मतलब ये टेंडर के लिए कोई इंस्पेक्शन होगा क्या, बाय इंस्पेक्शन अथॉरिटी या अथॉरिटी प्री रजिस्ट्रेशन विद जिम, दोनों में से किसी के साथ हो सकता है। इंस्पेक्शन अथॉरिटी वाला होगा कोई, और जो लोग इन पैनलमेंट में है या फिर जो लोग प्री रजिस्टर है जिम में उनके साथ, इसका एक इंस्पेक्शन होगा, यहाँ पे बताया है। बाउड बाय बायर ऑन इंपैनल एजेंसी, यस बायर के पास खुद का एजेंसी है उनके साथ होगा। कब होगा इंस्पेक्शन, टाइप ऑफ इंस्पेक्शन, पोस्ट डिस्पैच, डिस्पैच होने के बाद जब आप अपना मेटेरियल को डिलीवरी कर देंगे, तो यहाँ पे आपको बता रहा है। साथ में बता रहा है नेम ऑफ द इंपैनल इंस्पेक्शन एजेंसी कौन होगा, बोर्ड ऑफ ऑफिसर होगा। इवोल्यूशन कैसा होगा, तो टोटल वैल्यू वाइज इवोल्यूशन होगा। मतलब इस टेंडर को, जनरली टेंडर को देखो 2 तरीके से इवोल्यूशन होता है। एक इवोल्यूशन होता है वैल्यू वाइज जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, और दूसरा होता है आइटम वाइज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब इवोल्यूशन, अभी ये इवोल्यूशन किसका बता रहा है, फाइनेंस का बता रहा है, टेक्निकल का नहीं। टेक्निकल का इवोल्यूशन का यहाँ पे बताया था, फाइनेंस इवोल्यूशन कैसा होगा, तो 2 तरीके से हो सकता है। एक तो टेक्निकल इवोल्यूशन मतलब टोटल वैल्यू वाइज इवोल्यूशन होगा, और एक होगा आइटम वाइज। आइटम वाइज और टोटल वैल्यू वाइज इवोल्यूशन में डिफरेंस क्या है ये सब। वैल्यू वाइज ये जनरली कब होता है, आइटम वाइज इवोल्यूशन जब एक प्रोडक्ट नहीं, एक से ज्यादा प्रोडक्ट रहा। जैसे कि आप पेन भी बेच रहे हो और पेंसिल भी बेच रहे हो। अभी मैं आपको इसको एक्सेल में थोड़ा समझाना पड़ेगा, मैं एक्सेल थोड़ा खोल लेता हूं। इन बीडर ने कोट किया है, हाँ एक पेंसिल बोल के, आप पेन बोल के, और एक वाइटनर। ठीक है, क्वांटिटी है सबका अलग अलग, भी क्वांटिटी हो सकता है 1,000, 10,000, 5,000। मैं डायरेक्ट कोट पे आता हूँ, फाइनल फिगर पे आता हूँ। ठीक है, फाइनल फिगर मैंने पेंसिल का कोट किया है मान लो 5 लाख, 50,000, 5 लाख। सिंपल पे समझते हैं, 100 रुपीज की इसमें रखते हैं तो सबको समझ में आएगा ये 100 रुपीज कोट किया है, भले कितने का बड़ा भी टेंडर हो रहे। ए ने 100 रुपीज में कोट किया है, बी ने किया है 95 ने, और सी ने किया है 101 रुपया में। सेम पेन का कोट किया इसने 85 रुपीज में, इसने कोट किया है 92 में,
इसने कोड किया है 90। इरेजर इसने कोड किया है 99 रुपीज में। इसने कोट किया है 110 रुपया में और इसने कोट किया है 78 रुपया। अभी आते हैं टेंडर पर, तीनों टेंडर का, ठीक है। अब इसका टोटल मार दो, सबने क्या क्या कोट किया है। तो एक का टोटल वैल्यू है 284, बी का है 297 और सी का है 265। ये कोट है, ये तीनों लोगों ने कोट किया है। ए का कोट है ये टोटल, ये बी का कोट है और ये सी का कोट है। ये तीनों का अलग अलग कोट किया है रेट। अभी यहाँ पे टेंडर क्या बोल रहा है, टेंडर क्या बोला है, टोटल वैल्यू वाइज इवोल्यूशन, मतलब ये टेंडर किसको मिलेगा, तीनों में से जो सबसे कम रेट में कोट किया, किसने कोट किया तीनों में से सबसे कम, 265 में, सी ने। तो टेंडर किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। एल वन कौन है, यदि मैंने वैल्यू वाइज इवोल्यूशन किया है मेरा आता है कौन, सी, ये एल वन है, बराबर है। तो मैंने आइटम वाइज इवोल्यूशन बोलता तो किसको मिलता टेंडर, हर एक का अलग अलग किसी को मिल सकता है या सबका, एक को भी मिल सकता है पर अलग अलग है। अभी पेंसिल में सबसे लोएस्ट रेट किसने कोट किया है उसको मिलेगा, यहाँ पे किसको मिलेगा टेंडर, पेंसिल का टेंडर मिलेगा 95 वाले को, मतलब बी को, बी को मिलेगा पेंसिल का टेंडर, इसको मिलेगा पेंसिल का टेंडर, इसको किसको मिलेगा 85 वाले को, ये टेंडर पेन का टेंडर मिलेगा ए को, और रीजर का टेंडर किसको मिलेगा 78 मतलब सी को, ये टेंडर किसको मिलेगा, सी, समझ में आया लॉजिक, या फिर आप एक्सेल में समझना चाहते हो यहां से भी लगा सकते हैं फॉर्मूला, उसके बेस पे आपको खुद डिसाइड कर देगा ये। समझ में आया क्या, क्लियर, इसको बोलते हैं मतलब सर टेंडर पे डिपेंड है, टेंडर पे बताएगा, आइटम वाइज इंडिविजुअल आइटम वाइज है, आइटम को लेके होगा तो इंडिविजुअल आइटम वाइज, इंडिविजुअल आइटम, अभी दोनों में, अभी पेन दोनों ने कम, वो सबको स्प्लिट कर देगा, स्प्लिट कर देगा, बराबर। और यहाँ पे और एक तरह का टेंडर निकलता है यहाँ पर भी, अभी ये टेंडर्स में क्या होगा, सबको भरना है। और एक होता है शेड्यूल वाइज टेंडर, वो नीचे पता चलेगा आगे मैं आपको पढ़ूंगा। तो और एक होता है शेड्यूल वाइज, यहाँ पे आपके पास मनमर्जी है, जो आप एक को पेंसिल का कोट कर सकते हो, पेन और इरेजर नहीं कोट करना है तो भी चलेगा, या फिर आप पेंसिल और पेन में कोट करना चाहते हो, इरेजर का कोट ही नहीं करना चाहते तो भी चलेगा। तो जब ऐसा शेड्यूल वाइज टेंडर होगा तो 100% टेंडर क्या होगा, जो आइटम वाइज ही इवोल्यूशन होगा, वैल्यू वाइज इवोल्यूशन नहीं होगा, ऐसा टेंडर जिसको बोलते हैं शेड्यूल वाइज टेंडर। मतलब वहां पे आपके पास रहेगा जो आप किसका भरना चाहते हो, पेंसिल का भरना चाहते हो तो पेंसिल का भर सकते हो, पेन का भरना चाहते हो तो पेन का ही भर सकते हो, इरेजर का भरने की आपको नहीं है, आपको लगता है मेरे पास इरेजर में सप्लाई नहीं करता तो मैं क्यों भरू इरेजर का, तो नहीं, आप इसको छोड़ सकते हो। पर इस टेंडर में कब होगा, जब इसमें टेंडर में लिखा रहेगा कि टेंडर शेड्यूल वाइज है, तब कहां लिखा रहता है यह भी मैं आपको आगे बताऊं। यदि ऐसा नहीं लिखा हुआ है शेड्यूल वाइज, तो आपको तीनों में ही कोट करना पड़ेगा,
आप एक भी कोट नहीं करेंगे तो टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। शेड्यूल वाइज टेंडर रहा तो कैसा रहेगा? इवोल्यूशन, आइटम वाइज ही इवोल्यूशन रहेगा। और नॉर्मल टेंडर रहा तो जनरली वैल्यू वाइज इवोल्यूशन होता है, फिर भी बायर चाहे तो अलग अलग कर दिखा कर सकता है। क्लियर है ये पॉइंट? सर एक बार छोटा सा बिल्कुल स्मॉल में दोबारा समझा सकते हैं सर? अंडरस्टैंड नहीं हो पाया। देखो वैल्यू कहाँ पे, कौन सा पॉइंट नहीं समझे वो बताइए। वैल्यू के रिलेटेड कह रहे थे ना कि वैल्यू वाइज एवोल्यूशन और उसमें वैल्यूएशन और उसमें वैल्यू वाइज इवोल्यूशन। दैट मींस यहाँ पे सबका पेन में ये कोट कैसे मैंने बनाया है ये समझा के आपको? जी सर। है ये वैल्यू समझा क्या? यहाँ पे मैंने क्या क्या लिखा है? हाँ ये आपने पेंसिल पेन एंड रेजिन के अलग अलग रेट्स जो है वो कोट किए हैं। हाँ ए ने ये रेट से कोट किया है, बी ने ये रेट से कोट किया है, सबके रेट का कोट के डिटेल्स है, बराबर है? जी सर। अभी यदि वैल्यू वाइज इवोल्यूशन तो ओवरऑल पेन का सबका टोटल होगा और सबसे टोटल में जो सबसे कम रेट में भरेगा उसको मिलेगा टेंडर। ओके ये हो गया वैल्यू वाइज। आइटम वाइज होगा तो हर एक आइटम का जो सबसे कम रेट में भरेगा उसको मिलेगा टेंडर। ओके ये आइटम वाइज। ओके इन शॉर्ट में यदि समझे तो ये बोलते। ओके और किसी को कुछ डाउट्स? और आगे चलते हैं। ईएमडी टेंडर को भरने के लिए ईएमडी लगता है। टेंडर भरने के लिए पहले यदि आप लोगों ने ई प्रोक्योरमेंट टेंडर भर रहा था तो दो तरीके के टोटल टेंडर में कितने फीस लगते हैं पता है क्या? टोटल टेंडर भरते वक्त जनरली टेंडर में क्या क्या पैसा लगता है? नहीं बता सर। फीस लगता है, ईएमडी लगता है, एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी लगता है। इसने भरा है ई प्रोक्योरमेंट में टेंडर और एसडी लगता है, या फिर आप एसडी बोल सकते हो या फिर इसको एसडी लगता है। इसका अलग अलग तरीके का है फॉर्म बिल्ड वाला। सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट बराबर। टेंडर फीस, टेंडर का एक क्राइटेरिया था उसके हिसाब से टेंडर फीस लगता है। जेम में टेंडर फीस नहीं है, जेम में टेंडर फीस नहीं लगता। क्लियर? ईएमडी लगता है। ईएमडी का रूल्स क्या है? 0.5 to 3% के बीच कुछ भी हो सकता है ये ईएमडी लगेगा। कम से कम 0.5 मैक्सिमम 3% तक लग सकता है। एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी कब लगता है? जब टेंडर में आप बिलो जाते हो, बिलो के लिए लगता है। जब टेंडर में आप बिलो जाते हो जनरली, एक रूल्स में बता रहा हूँ, ये यूनिवर्सल नहीं है पर जनरल बता रहा हूँ, ये इसमें नहीं है, जेम में नहीं है। जो तो यदि आप सिर्फ जेम में कॉन्सेंट करना चाहते हो तो ये बंद कर दो कि ये है ही नहीं, जेम में नहीं। मैं जनरल बता रहा हूँ रूल। यदि आप बिलो में, बिलो के लिए सिर्फ 1 to 10% जाते हो बिलो, आपको 1% का डीडी लगता है। 1% का डीडी अलग से देना पड़ेगा जो टेंडर का ईसीबी है। ईसीबी मतलब एस्टिमेट कॉस्ट वैल्यू। ईसीबी मतलब टेंडर का एस्टिमेट कॉस्ट वैल्यू, जो टेंडर का वैल्यू है। टेंडर कितने का था? 10 लाख का था, 2 लाख का था, 5 लाख का था, जो उसके ऊपर ये 1% लगेगा। ठीक है, यदि बिलो में आते हो 1%, इसके ऊपर जितना भी जाते हो बिलो वो 1-1% से बढ़ेगा, ऐसा रूल रहता है। तो फिलहाल इसको नहीं है तो इसको हम लोग आगे नहीं समझते ज्यादा। एसडी, एसडी जनरली 5% रहता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना रहता है? जनरली 5% रहता है। तो ये 3% to 5% के बीच रखते हैं, जनरल रूल आपको बता रहा हूँ। ये अलग एसडी आप यहाँ पे दो भरते हो, एक ईएमडी भरते हो और एसडी भरते हो। एसडी को आप किसमें भरते हो? एसडी को आप बोलते हो बैंक गारंटी, क्या यहाँ पे बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक गारंटी, ईपीबीजी ऐसा बोलते हैं। बैंक गारंटी के रूप में भरते हैं। यहाँ पे दो चीजें लगती है, एक ईएमडी और एक ईपीबीजी। ये दो चीजें यहाँ पे लगती है और दो चीजें यहाँ पे नहीं। पर यहाँ पे एक एडिशनल चार्जेस भी है, ये नहीं है दो पर एक एडिशनल है। यदि आप ईयरली 20 लाख क्रॉस करते हो आपका ऑर्डर वैल्यू, तो आपको ऑर्डर वैल्यू का 0.5% देना पड़ेगा जेम को। किस लिए? होटल का फीस, होटल का
चार्जेस ना देना पड़ेगा ईयरली। यदि आप कभी भी वैल्यू में 20 लाख पार करते हो तो 0.5% आपको अलग से देना पड़ेगा एज ए पोर्टल का चार्ज। 20 लाख के नीचे का जब ऑर्डर रहेगा आपको ईयरली 20 लाख से नीचे का ऑर्डर रहा तब तक आपको कोई चार्जेस नहीं। जैसे आप 20 लाख क्रॉस करोगे आपका 0.5% चार्ज लगना चालू हो जाएगा हर एक ऑर्डर के ऊपर। बोलिए, ये हमारा फीस का डिटेल्स है। किसी को डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछो। पोर्टल चार्जेस है ये अनुअली जितना होगा उस पे आएगा कि हर प्रोडक्ट पे जाएगा? क्या बोले सर, फिर से रिपीट कीजिए थोड़ा। ये जो पोर्टल चार्जेस है मतलब ये काउंट किस तरह का होता है? मतलब जितने ईयरली हम लोग कर लिए उसका 0.5% या 20 लाख होने के बाद जितना टेंडर भरेंगे उसका 0.5%? देखो, अभी आपका टेंडर वैल्यू हो गया 12 लाख का, आपने अभी इस ईयर में टेंडर भर लिया है, बराबर है? इस साल में 12 लाख का भर लिया है और अभी आपको एक टेंडर मिला 9 लाख, 12 लाख का ऑलरेडी आपके पास टेंडर मिल चुका था या ऑर्डर्स आप 12 लाख का मिल चुका है। अभी एक नया टेंडर मिला आपको या उसका ऑर्डर्स मिला वो है 9 लाख का मिल गया, सॉरी 9 लाख का आपको एक नया ऑर्डर मिल चुका, तो आपको चार्जेस कितने पे लगेगा? 1 लाख पे नहीं, पूरे 9 लाख। और चार्जेस कितना पे लगेगा? 9 लाख 0.5%। जो ऑर्डर आप 0.5% को क्रॉस करेगा उसको आपको चार्जेस देना पड़ेगा, मतलब आपको 45,000 का चार्जेस लगेगा। अभी आपका यही वाला था, यदि इन केस आपको 19 लाख का हुआ है और अभी आपको एक 2 लाख का खाली ऑर्डर मिला तो आपको किस पे चार्जेस लगेगा? सिर्फ 2 लाख, 19 लाख तक कोई चार्ज। आपका पहला ऑर्डर है और पहला ऑर्डर ही आपको 21 लाख का मिल गया या 20 लाख से ज्यादा 21 लाख का, आपको यहाँ पे कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, डायरेक्ट 21 लाख को वो चार्जेस लगाना चालू कर देगा। क्लियर है? और कुछ डाउट्स? सर ये चार्जेस जो हैं ये तब होंगे ना जब हमारा हमें टेंडर मिल जाए, ऑर्डर्स मिलने के बाद। ऐसे पार्टिसिपेट में पार्टिसिपेट करने का तो कोई चार्ज नहीं? नहीं नहीं, ऑर्डर्स मिलने के बाद सर, ऑर्डर मिलने के बाद एग्जीक्यूशन प्लस पेमेंट आने के बाद ले? नहीं नहीं नहीं, ऑर्डर्स मिला, ऑर्डर्स मिला तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक ये चार्जेस नहीं पे करेंगे। और अगर सर किसी भी रीजन की वजह से अगर हमारा ये कैंसिल हो जाता है, मान के चले कोई पेपर वर्क नहीं हो पाता कंप्लीट, ऑर्डर्स तभी मिलेंगे जब आपका सब कुछ कंप्लीट होगा तभी मिलेंगे ना। ओके ओके ओके, मतलब ये कोई इसका रिफंडेबल वाला कोई इसमें इशू नहीं? नहीं ओके, ऑर्डर्स आपको तभी मिलता है जब आपके पास, अभी आपने डिलीवरी नहीं दिया वो आपका फॉल्ट है। ऑर्डर्स आपको मिल गया तो डिपार्टमेंट आपसे लेने को तैयार है, आपको ऑर्डर दे दिया ना, कहीं से वर्क ऑर्डर मिल गया तो कैंसिल तो होता नहीं ना। बिल्कुल। नागेश सर, सर ये कटिंग कहाँ से होगा जो अभी आप पर से बोल रहे हैं? कटिंग नहीं करे होगा सर, ये आपको पेमेंट करना पड़ता है ऑनलाइन, कॉशन मनी से कट? नहीं नहीं नहीं, ये अलग से पेमेंट करना पड़ता है। उसका क्या अकाउंट वगैरह सब अलग रहता कुछ है? नहीं, अलग नहीं रहेगा सर, आपको नेट बैंकिंग वगैरह या फिर उसका ऐसे यहाँ पे अलग से ये पोर्टल खुल जाता है और वहां से आप पेमेंट कर पाएंगे। अभी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड चलता है कि नहीं वो याद नहीं है, पर नेट बैंकिंग चलता है। चंद्रमोहन सर बोलिए। सर ये ईपीबीजी क्या होता है, वो थोड़ा समझ में नहीं आया। क्या ये 3% और 5%, 3-5%? हाँ मैं अभी बताता हूँ आगे, अभी इनका यही चल रहा है, मैं इसके बाद यही बताता हूँ ईबीजी। देखिए यहाँ पे ये दो चीजें यहाँ पे टेंडर में रहता है बीजी का। बीजी यहाँ पे ईएमडी हो गया, ईएमडी तो आपका हो गया एडनेस्ट मनी डिपोजिट, ये आपका बैंक गारंटी, इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक गारंटी बोलते हैं इसको। बैंक गारंटी में क्या रहता है जनरली 3-5%, ये आप एज ए बैंक गारंटी जनरली यहाँ पे बीजी के रूप में देते हैं, पर ये एसडी का ही पार्ट है, इतना समझ, सिक्योरिटी डिपॉजिट का ही पार्ट है, ये हम बैंक गारंटी के रूप में यहाँ पे देते हैं। बैंक गारंटी मतलब यदि हम सिर्फ गारंटी बात करते हैं, कोई भी चीज गारंटी, तो गारंटी क्या होता है? मान लीजिए यहाँ पे सर है एक, चलो ये नहीं लेते हैं नहीं तो कंफ्यूज होगा, एक चंद्रमोहन सर है, संजय सर है और तिवारी सर, तीन लोग है बराबर है, चंद्रमोहन सर है, संजय सर है और तिवारी सर, मोहन सर डिपार्टमेंट के लोग हैं,
संजय सर नॉर्मल है या चंद्र सर, यदि हम नॉर्मल बात करें तो संजय सर मान लीजिए जो मोहन सर है वो साहूकार है, वो पैसा किसी को देते हैं। संजय सर है जिसको पैसे की जरूरत है, और तिवारी सर है जिनको दोनों पहचानता है, मोहन सर भी पहचानते हैं और संजय सर भी पहचानते हैं, ये अरुण सर। अभी संजय सर को पैसे की जरूरत है, वो मोहन सर के पास जाएंगे और बोलेंगे सर मुझे पैसा दे दो। कंडीशन में ही होगा, मोहन सर साहूकार है वो पैसा देने को तैयार है और संजय सर को जरूरत है। अभी मोहन सर क्या बोलेगा, मैं आपको किस बेस पे पैसा दूं, आप कोई गारंटर लेके आओ या फिर मेरे पास कोई गोल्ड वगैरह या फिर आपके पास कोई भी पैसा है वो जमा करो। तो उनके पास तो कोई पैसा जमा करने के लिए नहीं है, तो क्या बोलेगा ठीक है मैं गारंटर लेके आता हूं। तो गारंटर उसको कैसा चाहिए, कोई भी गारंटर लगेगा क्या, जिसको मोहन सर पहचानते हैं वही गारंटर लगेगा। तो अब गारंटर के तौर पर तिवारी सर गए, ये गारंटर बन, अभी ये पैसा इनको दे देगा। इनकेस यदि संजय सर ने इनको पैसा रिफंड नहीं किया तो चंद्रमोहन सर किससे पैसा वसूलेंगे, जो गारंटर है तिवारी सर है उनसे पैसा लेंगे। बराबर है, नॉर्मल हम लोग ऐसे ही करते हैं काम। यस सर, क्लियर है यहाँ तक। अभी यहाँ पे रोल्स को बदल दो सिर्फ डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली। संजय सर हो गए कौन, बीडर, टेंडर मिला है। मोहन सर हो गए बैंक, जो पैसा देगा, सॉरी अरुण तिवारी सर हो गए बैंक, और मोहन सर कौन हो गए पैसा लेने वाला, मतलब ये हो गए डिपार्टमेंट। मोहन सर हो गए डिपार्टमेंट, संजय सर हो गए जो बीडर टेंडर मिला है, और तिवारी सर क्या हो गए गारंटर। कौन हो गया गारंटर, जो दोनों पहचानता है आदमी, क्या हो गया वो बैंक। गारंटर कौन बन गया, बैंक। अभी बीजी कहां से मिलेगा, बैंक। तो बैंक क्या बोलेगा संजय सर को, मैं गारंटर आपका तभी बनूंगा मोहन सर का, कब बनूंगा, जब या तो आप हम अपने अकाउंट में उतना पैसा मेंटेन करके एफडी कर दो, फिक्स डिपॉजिट कर दो, तो आपको कोई गारंटर वगैरह कुछ जरूरत नहीं, कहीं से कुछ भी जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट आपके नाम से बीजी तैयार कर दूंगा। या तो बोलेगा मैं आपको ट्रस्ट दूंगा पर उसके लिए मैं हाईली कमीशन लूंगा, जनरली मंथली 1%, 2%, 3% तक कमीशन लेते, उसके बेस पे आपको विदाउट एनी कोई भी चीज के इसके बेस पे आपको गारंटर इशू कर देते, बीजी देता, वो बीजी आप उठा के डिपार्टमेंट को सबमिट कर देते हो। जब वो डिपार्टमेंट को सबमिट कर देते हो, अभी डिपार्टमेंट को वो पावर रहता है कि आपने ये प्रोडक्ट मेटेरियल डिलीवरी नहीं किया या कुछ गलत किया और बाद में उसका प्रॉपर काम नहीं किया, तो पैसा बीजी आपसे पूछेगा नहीं, सीधा आएगा बैंक में और बैंक में आके डाल देगा बीजी। तो बैंक भी आपसे पूछेगी नहीं जो पैसा दू कि नहीं, डायरेक्टली वो पैसा वो लेके जाएगा बीजी का पैसा, और फिर बैंक और आपके बीच का रह जाएगा जो बैंक को आपसे कैसा पैसा वसूलना है वो बैंक के ऊपर है। क्लियर हुआ बैंक, बैंक गारंटी, या अभी भी डाउट है कुछ? मैं जितना नॉर्मल सर मतलब एकदम इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा था, जितना हो सकता समझाए, फिर भी आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते। सर ये सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट जो है, हाँ, ये जो डिपार्टमेंट से हमें पैसा मिलना है उसमें से कटेगा या ये एडिशनल देना है? ये एडिशनल देना है, ये आपको टेंडर से ऑर्डर मिलने के बाद देना है। ऑर्डर जैसे आपको मिला वैसा ये पैसा लग रखेगा। ये हर एक टेंडर में नहीं रहता पर बहुत सारे टेंडर में रहता है, खास तौर पे ऐसे टेंडर में होगा जहां पे इंस्टॉलेशन टेस्टिंग और आपको एक साल का वारंटी वगैरह देना है, ऐसे जगह पे रहेगा। ये पैसा आपको एज ए डिपॉजिट के तौर पे लिया जाएगा, पैसा आपको रिफंड तब करेगा जनरली हम लोग जब साल के बाद कहीं जगह प्राइवेट में भी काम करते हैं तो वहां पे 10% वहां पर भी डिपॉजिट रखता है, जब तक वहां पे आपका काम चलता रहता है ना, एक साल के लिए रोक लेता है कहीं जगह। हाँ बराबर है, एक साल मतलब उसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल डीएल पीरियड, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड। तो जब तक डीएल पीरियड खत्म नहीं होता था तब तक रोकता है, ऐसा यहाँ पर भी जब तक आपका डीएल पीरियड होगा तब तक लिखा आपको पैसा रिफंड नहीं करेगा, बाद में ही रिफंड कर देगा। तो लगभग सर ईएमडी और एसडी मिलाकर के 8% तो यही हो गया अमाउंट। हाँ डिपेंड करता है, कभी कभी ये दोनों 3-3% भी होता है, कभी ये 3% और 1% ऐसा भी हो सकता है, या 5% 1% या 5% 3% मैक्सिमम 8% होगा मैक्सिमम।
उससे ज्यादा डिपार्टमेंट डिसाइड करता है इसको। हाँ ये डिपार्टमेंट डिसाइड। अब ये यदि टेंडर भर रहे हैं हम, कहा गया टेंडर, अब ये टेंडर भर है, नो है दोनों, तो इसमें कोई भी एक रुपया नहीं लगेगा आपको, कोई हाँ। भी चार्जेस नहीं है, तो आपको पहले ही आपके पास उतना फंड है कि नहीं आप पहले ही देख लो। सर एक मिनट में, ड्यूरेशन ऑफ ईबीपीजी इज रिक्वायर्ड फॉर 5 मंथ्स करके लिखा है, सो तो वहां पे आपको 5 मंथ्स के लिए बैंक गारंटी को रखना पड़ेगा, आफ्टर 5 मंथ्स वो पैसा विथड्रॉल हो जाए। ओके, यहाँ पे बैंक गारंटी के तौर पे आप जरूरत नहीं कि आपको बैंक गारंटी देना है, आप उतना पैसा उनको कैश में भी दे सकते हो, या फिर उस बैंक के पास एफडी करवा लो और बोलो ये एफडी के बेस पे आप बीजी दे दो मुझे, तो 5 मंथ जैसे ही कंप्लीट होगा उसमें डेट रहता है बैंक गारंटी का, जैसे ही आपका होगा आप उस डेट में 5 मंथ में आपको एफडी का कमीशन मिलेगा, जो आपको इंटरेस्ट है वो भी मिलेगा, सिर्फ आपको क्या होगा बैंक आपसे कोई कमीशन आपको बैंक से नहीं देना, मतलब बैंक आपसे कोई कमीशन नहीं लेगी और आपको एफडी का इंटरेस्ट भी देगी, और उसी एफडी के सिर्फ आपके लिए कंडीशन क्या रहेगा, वो एफडी को आप 5 मंथ तक तोड़ नहीं सकते, जैसे उसका डेट खत्म होगा आप एफडी को तोड़ सकते हो, एफडी आपका रिलीज हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। ये चले स्प्लिटिंग, बोलिए सर, कोई कोई टेंडर पे रहता है टेंडर पेपर प्राइस ऐसा कुछ रहता है, तो चीज क्या होता है सर? अभी तक तो मुझे आया नहीं, आप कहाँ पे बता रहे, क्या लिखा रहता है टेंडर पेपर, मतलब टेंडर पेपर प्राइस या ऐसा कुछ, मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ पारादीप पोर्ट का, तो वहाँ पे जो टेंडर निकलता है, नहीं आपके पास ऐसा कोई टेंडर है तो मुझे टेंडर आईडी भेज दीजिए, तो इसके बाद हम लोग देख लेंगे। अभी आप क्या बोल रहे हैं एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए यदि ऐसा कोई टेंडर है तो टेंडर आईडी भेज दीजिए, हम वो देख के फिर आपको बता देंगे क्या बता रहा है काम। ठीक है सर, कंटिन्यू करें, मैं लास्ट। स्प्लिटिंग, स्प्लिट मतलब एक टेंडर को टुकड़े में तोड़ देना, इसको बोलते हैं स्प्लिट, तो बीड स्प्लिटिंग नॉट अलाउड, मतलब इस टेंडर को स्प्लिट नहीं होगा, टेंडर पार्ट में टूटेगा नहीं, टेंडर एक को ही मिलेगा, अलग अलग नहीं। स्प्लिट कभी होगा जैसे ऐसे कंडीशन में टेंडर स्प्लिट हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, अदरवाइज और भी स्प्लिट हो सकता है, अभी ए का पेंसिल हम दो लोगों को देना चाहते हैं, पेंसिल का ही दो लोगों को देना, ए को भी देना चाहते हैं बी को भी देना चाहते हैं, ए को 80% ऑर्डर, ए को L1 को देना चाहते हैं, 20% ऑर्डर बी L2 को देना चाहते हैं, तो इसको भी हम लोग स्प्लिट बोल सकते हैं। जब टेंडर मोर देन वन से ज्यादा लोगों को हम कैसे भी कंडीशन में यदि हम स्प्लिट करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग, तो टेंडर में कोई भी स्प्लिट नहीं होगा। मेक इन इंडिया MII, अभी तक हम लोगों ने पहले क्लास से ये तक अभी तक हमारे पास है, तो मेक इन इंडिया और MS परचेज प्रिफरेंस, जैसे मैंने अभी आपको ये समझाया, ऐसे ही मैं अभी आपको दोनों क्लाउजेस समझाऊंगा सबसे बाद में, मेक इन इंडिया क्या है और MSME क्या है और इसके मतलब क्या है, प्रिफरेंस का मतलब आगे समझाऊंगा, पहले और भी हम लोग पॉइंट पढ़ लेते हैं। यहाँ पे इंस्पेक्शन जो होगा उसका डिटेल्स लिखा हुआ है, क्या लगेगा, ये लगेगा हैंडल ब्रश कटर लाइम 8 पीस का लगेगा। अब ये टेंडर में क्या लगेगा, क्या प्रोडक्ट लगेगा वो आपको बताया गया, इसलिए क्या चीजें हैं, क्या डिटेल्स लगेगा, कौन सा टाइप का लगेगा, सोर्स क्या रहेगा, सब चीज यहाँ पे डिटेल्स में बताया है, यही प्रोडक्ट आपको वहां पे सप्लाई करना है, ये स्पेसिफिकेशन है देखो पूरा, ठीक है, कहाँ पे लगेगा, कंसाइनी एड्रेस कहाँ है, भरतपुर में लगेगा 8 क्वांटिटी, आपको टेंडर वर्क ऑर्डर मिलने के बाद 21 दिन में डिलीवरी करना है, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट दिए होंगे ATC में, इसको बोलते हैं ATC, बहुत सारे लोग पूछते हैं ATC क्या है, तो ATC मतलब एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन, तो डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट यहाँ पे रहते ATC में, वो डॉक्यूमेंट्स देना है, साथ में यहाँ पे जो भी लिया हुआ है ये वाला पार्ट, इसको लेटर हेड में आपको लेना है और उसको साइन करके अपलोड करना है, यहाँ पे एक तो इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है वो देखना है, जैसे डॉक्यूमेंट्स में ISO मांगा है, देखो यहाँ पे साफ पता चल रहा है, एक्सपीरियंस मांगा है 2 साल का, तो 2 साल का एक्सपीरियंस, ISO, ये सब डॉक्यूमेंट्स आएगा, डेडिकेटेड टोल फ्री नंबर देना है आपको, एक्सलेशन मैट्रिक्स देना है आपको, ये सब आपको देना है, ये छोड़ के ये लेटर हेड में आपको पूरा का पूरा छापना है और आपका कंपनी का सील और साइन मार्क इसको अपलोड करना है, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको दिया हुआ है, ये सब आपको यहाँ पे टेंडर में लिखा है, जो जो टेंडर में पॉइंट था वो मैंने आपको बताया, बोलो इसमें से कुछ डाउट्स है तो बताओ।
क्लियर है यहाँ तक सर? हर टेंडर में इतनी डिटेल्स और डिटेल्स होगा, अलग अलग थोड़ा थोड़ा होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। अब जैसे मैंने एक खोला हुआ सर, उसमें ना इतनी चीजें कुछ शो नहीं कर रही है, 5-6 लाइंस का ही है उसमें। सर डिपेंड करता है टेंडर के ऊपर, डिपार्टमेंट जो लिख के देगा वही लिखा रहे। उसमें से आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो वो मुझे पूछो, तो वो पॉइंट मैं आपको सिर्फ बता दूं। कोई पॉइंट नहीं दे सकता है, नहीं भी दे सकता। अब उसको इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं है, ये पॉइंट निकल जाएगा, नहीं रहेगा, बराबर है। ओके, आरए का जरूरत नहीं है तो आरए का पॉइंट निकल जाएगा, पीएससी नहीं करना है तो पीएससी का पॉइंट निकलेगा, जो नहीं रहेगा वो पॉइंट निकल जाएगा। हो सकता है कोई पॉइंट इसमें नहीं है और वो दूसरा टेंडर में वो पॉइंट है, तो पॉइंट ऐड हो जाएगा। जो इसने डाला है ना सर, उसमें उसने रिक्वायरमेंट फॉर सेलर काफी ज्यादा मांगी हुई है। हाँ, तो वो डॉक्यूमेंट्स का पार्ट है, हर एक चाहिए, वो हर एक चाहिए, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं। और एक आया इसमें पास्ट परफॉर्मेंस 20%। हाँ, पास्ट परफॉर्मेंस बोल के आता है, पास्ट परफॉर्मेंस 20 मतलब जो टेंडर का ऑर्डर वैल्यू होगा, जो टेंडर का वैल्यू होगा 1 लाख का है, 2 लाख का है, 5 लाख का है, उसका 20% जो इस कैटलॉग है सेम प्रोडक्ट का जो स्पेसिफिकेशन है, यही स्पेसिफिकेशन का प्रोडक्ट का आपको एक वर्क ऑर्डर 20% का एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए। इसको बोलते हैं पास्ट परफॉर्मेंस। सर सेम टू सेम होना तो बड़ा मुश्किल है। हाँ, अप्रोक्सीमेटली सेम टू सेम मतलब थोड़ा बहुत जो मेन कंटेंट है वो होना चाहिए, थोड़ा बहुत इधर उधर चलेगा, मतलब ये कैटेगरी से ही बिलोंग करना चाहिए, हैंडल ब्रश कटर ही होना चाहिए, थोड़ा स्पेसिफिकेशन जो मेन स्पेसिफिकल है स्पेसिफिकेशन वो होना चाहिए। जो थोड़ा बहुत इधर उधर वो थोड़ा अलग अलग रहा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका होना चाहिए, उसको बोलते हैं पास्ट परफॉर्मेंस। इन शॉर्ट सोचो कि सेम कैटेगरी का दिया तो भी हो जाता, यही कैटेगरी का, दूसरे कैटेगरी का नहीं चलेगा। सर कभी कभी जो हम प्रोडक्ट अपलोड करते हैं तो उसके रिगार्डिंग हमारे पास बिड ऑटोमेटिक आने लगती है। सर अभी हम लोग उसके बारे में डिस्कशन ही नहीं कर रहे, बीड हमने जस्ट चालू किया है। ओके, तो अभी आपको इसमें कोई समझ में नहीं आ रहा है तो वो पूछो, हम लोग आगे आगे सभी पॉइंट डिस्कशन करेंगे, इसमें भी अभी हम बहुत सारे पॉइंट हमने छोड़ दिया है, एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए जाएंगे। उसके बाद भी आपका यदि बीड के रिगार्डिंग टेंडर भरने के बाद कोई पॉइंट रह जाता है तो हमारी गारंटी है वो हम आपको आगे आपको बताएंगे ना, है ना सर? मतलब कहने का मतलब ये, जब भी बीड पे पार्टिसिपेट करना हमने तो हमने ये चीजें जरूरी पढ़ना है। जब मैक्सिमम लोग इसको स्किप कर देते हैं, अभी आपको मुझे ये पढ़ के बताने का, इतना डिटेल्स में पढ़ के बताने का, समझाने का मोटो मेरा यही है। ये नहीं समझोगे तो आगे मिस्टेक करोगे और टेंडर समझेगा नहीं। मैं अंडरस्टैंड सर, मैं ये पूछ रहा था कि जब हमने प्राइस कोट करना तो हमें ये भी ध्यान में रखना कि अगर बाई चांस हमें टेंडर मिल गया तो हमें वो चार्जेस भी देने पड़ेंगे। हाँ, क्या पे करना पड़ेगा, क्या रखना, रेडी रहना है। ओके, बराबर, सब चीज बाद में हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सब चीज आइडिया आ जाएगा पढ़ने के बाद। ओके, इसलिए पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है यही समझाना था, पर ये अभी आप जल्दी समझ गए। बहुत सारे लोगों को टेंडर भरने के बाद समझता है, इतना ही डिफरेंस। ओके, क्लियर है ये? क्या इनकॉर्पोरेशन मतलब जब से कंपनी है तब से एक्सपीरियंस या फिर पास्ट जो सप्लाई किए थे तब से? सर आपकी कंपनी अभी नहीं चालू हुई, पहले बाद में चालू हुई, मतलब आपका कंपनी 2021 में चालू हुआ तो आप 2020 का एक्सपीरियंस कैसे देंगे? 21 में चालू हुआ है आप ये बता रहे हो ना, तो चालू होने से पहले एक्सपीरियंस कैसे मिल गया आपको? नो सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो एक्सपीरियंस आएगा ये इनकॉर्पोरेशन मतलब डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से ही काउंट किया जाएगा ना, मतलब प्रीवियस मतलब जो मैं सप्लाई किया हूँ कुछ चीजें कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मुझे एक बात बताओ, आपका इनकॉर्पोरेशन आपने कंपनी इनकॉर्पोरेशन मतलब क्या हुआ? चालू कंपनी कब चालू किया, उससे पहले आपने एक्सपीरियंस लिया कैसे? हाँ सर, हाँ सही बात, बराबर है ना? हाँ सर बराबर। बोलिए और कुछ डाउट्स?
कुछ डाउट है और? सर वो वाला जो मैं बोल रहा था उसका वो है टेंडर पेपर कॉस्ट। ठीक है मुझे टेंडर आईडी भेज दो, मैं देख लेता हूँ टेंडर फीस होगा। जनरली जेम पे तो नहीं देखा मैंने कभी, फिर भी टेंडर आईडी भेज दीजिए तो मैं देख लूं। चलो तो फिर यहाँ तक क्लियर करते हैं, आगे का हम लोग आपको पॉइंट समझाता हूँ। ये जैसे पीएससी है, मेक इन इंडिया क्या है, एमएसएमई प्रेफरेंस क्या है, ये सब मैं आपको आगे का, फिर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है, डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या है, वो सब पॉइंट हम लोग इसके बाद वाले टॉपिक में समझते हैं।